अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं प्री इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल। यहाँ पे देखेंगे कि क्या चीजें हमें रिक्वायर हैं और क्या क्या चीजें हमने फिलअप करनी है और किस तरह से करनी है। कि काफी सारे बच्चों का ये वाला फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उसकी वजूहत क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे और वो काम जो आपने नहीं करने इस फॉर्म में वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। प्री इंजीनियरिंग का फॉर्म हम फिल कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स वगैरह के लिए मैं तब से न्यू वीडियो बना दूंगी ताकि हम लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। मोस्टली फॉर्म जो है वो सेम ही फिल किए जाते हैं, जस्ट उनके सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले हम इसका फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने डालना है एनुअल ईयर, ठीक है, जो भी एनुअल ईयर चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो वो पूछ रहा है आपसे रोल नंबर। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ये आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी मेंशन है फॉर ऑफिस यूज, यानी कि ये आपके बोर्ड की तरफ से या कॉलेज वगैरह की तरफ से ही फिलअप होगा, ठीक है। तो आपने इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। अब एनरोलमेंट नंबर पे, तो एनरोलमेंट नंबर आपको फिलहाल नहीं पता क्योंकि आपके एनरोलमेंट जो है वो इस वक्त नहीं आए हैं जब मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अब अगर आपके पास एनरोलमेंट आ जाते हैं तो आपने एनरोलमेंट नंबर डालना है, अदरवाइज आपको ब्लैंक छोड़ना है और कॉलेज वालों को इन्फॉर्म कर देना है कि हमने एनरोलमेंट नंबर फिल नहीं किया। वो आपको खुद से इन्फॉर्म कर देंगे कि आपने इसको क्या फिल करके देना है, ठीक है। तो ये दोनों बॉक्स फिल हो गए। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का फॉर्म है और अब आपने यहाँ पे फिल क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी फोटोग्राफ लगानी है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला आता है जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। ये वजह ये होती है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे की पिक्चर जो है वो गलत लगा देते हैं। पहला जो आपने काम नहीं करना वो ये है, आपने अपनी जो पिक्चर है वो कहीं की भी अपलोड नहीं करनी बल्कि ब्लू बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। ब्लू बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे पेस्ट करनी है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने इसको गम से पेस्ट करना है। कोई भी पिन वगैरह, कोई भी स्टेपलर, कोई भी किसी भी किस्म का टेप वगैरह अलाउ नहीं है। अगर आपने ये हरकत करी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपने ये हरकत नहीं करनी, ठीक है। आपने इसको गम से पेस्ट करना है, गम अच्छी वाली लगाइएगा ताकि ये गिरे ना, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। तो ये आपके पास आगे सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि नेम क्या है। तो आपने नेम फिल करना है, देन आपने फादर नेम फिल करना है, देन आपने डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। अब फिल कैसे करना है ये तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही इशू आता है कि उनका जो नेम है उसमें मिस्टेक आ रही होती है या फादर नेम है उसमें मिस्टेक आ रही होती है। पहला पॉइंट अगर आप नेम के लिहाज से डिस्कस करें तो सबसे पहले आपने स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखनी है। मैंने अभी आपके लिए एनरोलमेंट फॉर्म की जो वीडियो बनाई थी उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हमने अपना जो नेम है वो गलत फिल कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद नहीं लगाया या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई। तो देखा, अब आपने अगर ये गलती कर दी है और वीडियो को पूरा नहीं देखा है, केयरफुली इसको फिल नहीं किया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि गलती ना हो और चीजों को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ आए। दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट तो आप हो गया कि आपकी स्पेलिंग और आपने मोहम्मद या सैयद किसी के नाम में होता है तो वो आपने केयरफुली लिखना है, ठीक है। के बाद आ गई कि स्पेलिंग का आपने इशू, के बाद आ गया कि स्पेलिंग आपने देख भाग के लिखनी है। अब आपने फिल कैसे करना है, तीसरा पॉइंट नेम का है कि आपने फिल कैसे करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का नाम है अली, तो यहाँ पे उसने ए, दूसरे बॉक्स में एल और तीसरे बॉक्स में आई लिखा, ये हो गया अली। अब उसने अपना फुल नेम लिखना है क्योंकि फुल नेम में आप उसका नाम है अली आरिफ, तो अली उसने लिखने के बाद एक बॉक्स छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स से आपने स्टार्ट करना है अपने फादर का नाम लिखना, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख दिया अली और अब आप लिख रहे हैं यहाँ पे आरिफ, ठीक है। ये इस तरह से ए आर आई एफ आरिफ, ठीक है, ये उसका हो गया ये फुल नेम, ठीक है, अली आरिफ उसका नाम हो गया। हमने क्या किया, ये वाला बॉक्स जो है वो छोड़ दिया, ठीक है। आपने इसके अंदर कुछ भी फिल नहीं करना है, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ना आपने डैश डालना है, ना आपने कुछ क्रॉस वगैरह लगाना है, आपने जस्ट इसको ब्लैंक छोड़ देना है। कि आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तीन चीजें मैंने आपको नेम में बताई हैं, पहला पॉइंट कि आपने स्पेलिंग सही लिखनी है, दूसरा पॉइंट आप ध्यान से इसको फिल करना है, और तीसरा पॉइंट कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और आपने बीच में से ये छोड़ना है। लेटर जो है आपके सारे कैपिटल होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स में फॉर्म को फिल नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फादर नेम पे, तो फादर नेम भी आपने सिमिलरली ऐसे ही फिल करना है। अब फादर का नाम फॉर एग्जाम्पल आरिफ खान है, तो आपने यहाँ पे लिखना है ए आर आई एफ आरिफ, ठीक है, और उसके बाद आपने गैप छोड़ना है, फिर आपने यहाँ पे खान लिखना है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे आपको इस तरह से बता रही हूँ सिर्फ, तो ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है लेकिन आपने केयरफुली इसको फिल करना है। ये आ गया आरिफ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये आरिफ यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, तो ये आ गया आरिफ खान। अब मैंने क्या किया, ये वाला बॉक्स अगेन मैंने ब्लैंक छोड़ा है। अब आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने लिखनी होती है डेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं हम 20 के बाद आपने उसके बाद यहाँ पे लिखना होता है मंथ, ठीक है। 20 के बाद अगर आपका महीना जो है फॉर एग्जाम्पल मंथ है 0 लिखेंगे पहले आप और फिर आप लिखेंगे 5, ठीक है, ये आपका आ गया 5। 20 और महीना था हमारे पास मई का, तो हमने लिख दिया 5 और ईयर आपका जो भी होगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो आपने फिल करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 2014, तो ये आ गया आपका 2014, ठीक है। अब आ जाते हैं नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी ऑब्वियसली आपकी पाकिस्तान होनी चाहिए, और अगर आप कोई और
नेशनलिटी रखते हैं तो आपने वही फिल करनी है। उसके बाद आते हैं मेल और फीमेल को, तो आपने यहाँ पे जो है जो भी है मेल और फीमेल उसको टिक करना है और यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में ही फिल भी करना है, ठीक है। तो ये आपने फिल कर दिया। उसके बाद आपने करना है रिलीजन, तो अगर आप मुस्लिम है तो आपने मुस्लिम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, अदरवाइज जो भी आपका रिलीजन है वो आपने फिलअप करना है, लेकिन मेक श्योर के कैपिटल लेटर्स में हो और क्लियर हो, ठीक है। आपने उसको क्लियरली लिखना है। बॉक्स से अगर थोड़ी सी चीजें बाहर चली भी जाए तो मसला नहीं है, लेकिन क्लियर होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। अब आ जाते हैं रेजिडेंशियल एड्रेस पे। तो रेजिडेंशियल एड्रेस सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से आपने इसको फिल करना है। कोई स्ट्रीट पहले लिख रहा होता है, कोई हाउस नंबर पहले लिख रहा होता है, तो ये गलती आपने नहीं करनी। आपने एग्जैक्टली अपना कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल उठाना है और उसके ऊपर जो भी एड्रेस लिखा हुआ होगा वही मेंशन करना है। अब आ जाते हैं कि इसको पूरा फिल कैसे करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आपका लिखा हुआ है कोई भी एरिया का नाम, तो वो आपने लिखना है, और जहां पे गैप खत्म हो रहा है यानी कि जहां पे एरिया का नाम खत्म हो रहा है वहां पे अगेन आपने बॉक्स छोड़ना है और नेक्स्ट बॉक्स से स्टार्ट करना है। इस तरह से आपके पास काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पे एरिया दिया हुआ है रेजिडेंशियल एरिया को फिल करने के लिए। जहां तक आपका एरिया का नाम आएगा वहां तक आपने एड्रेस लिखना है और बाकी जगहों को खाली छोड़ देना है। उसके बाद सिमिलरली कॉलेज का नाम। अब कॉलेज का नाम बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो हैं और गलत लिख देते हैं, आपने इसको ध्यान में रखना है। आपने यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री से ही मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस शुरू हो रहे होते हैं, और फिर यहाँ पे आएगा डिग्री, उसके बाद जो भी कॉलेज का नाम है वो लिखना है। अब कुछ कॉलेज जो है वो मॉर्निंग के होते हैं, कुछ कॉलेजेस में इवनिंग शिफ्ट भी लगती है, तो आपने उसको भी ध्यान रखना है। और अगर आपके कॉलेज के अंदर इवनिंग और मॉर्निंग लिखा जाता है तो वो आपने जरूर जरूर मेंशन करना है, ठीक है, जैसे आपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना। उसके अलावा आपके पास आता है ये एनआईसी का नंबर, एनआईसी नंबर भी आपने देख भाग के फिल करना है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास एनआईसी नंबर नहीं है तो आपने बी फॉर्म नंबर आपने इसको फिल करना है, वही एग्जैक्टली आपका एनआईसी नंबर होता है, तो आपने इसको भी ध्यान से फिलअप करना है। जितने भी डिजिट आपके होंगे वो आपने इसमें फिलअप करने हैं। अब आ जाते हैं ये कॉन्टेक्ट नंबर वाला एरिया। तो कॉन्टेक्ट नंबर में हमारे पास जो कॉन्टेक्ट नंबर आपका हो और एक्टिव सिर्फ होना मौजूद होने का हल नहीं है, वो आपने कॉन्टेक्ट नंबर देना है जो आपका एक्टिव हो, यहाँ पे आपने उसको फिल अप करना है, ठीक है। और वो नंबर जो आपके यूज में हो जिसपे अगर कॉल आए इन केस तो आप उसको अटेंड कर सको, आपने वो देना है, ठीक है। उसके बाद आता है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मोस्टली लोगों का क्या होता है कि बहुत ज्यादा बच्चे इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में क्या फिलअप करना है। तो ये आपका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आपने कोई भी अगर आपका फॉर एग्जांपल कहीं मोल है यानी कि तिल है कहीं पे भी फेस पे भी जो प्रोमिनेंट हो आप वो फिल कर सकते हो, कहीं पे स्कार हो फेस पे हाथ पे तो आप वो फिल कर सकते हो। इसके चक्कर में फॉर्म को लेट नहीं करना, आप नॉर्मली यूजली आपके जो है वो कोई स्कार या कोई चोट का निशान होता ही होता है तो आपने वो फिल कर देना है। बड़ा दूसरा मसला आता है पोस्ट कोड का। ये जो पोस्ट कोड है ये आपका सबसे बड़ा मसला आता है कि कंफ्यूजन होती है कि हमने यहाँ पे क्या फिल करना है। तो मैं यहाँ पे वीडियो के एंड में आपको बता भी दूंगी कि आपने अपने एरिया का पोस्ट कोड कैसे फाइंड करना है और जो भी पोस्ट कोड होगा वो आपने सही से यहाँ पे डिजिट वाइज फिल करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ गए डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एग्जाम पास या क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे नंबर वन पे, आपके पास है एसएससी या इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी कि मैट्रिक की आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, किस बोर्ड से किया था, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फिल अप करना है। ऑब्वियसली आप फर्स्ट ईयर का कर रहे हो तो यहाँ पे आपने कराची बोर्ड से इन बोर्ड पूरा मेंशन करना है। उसके बाद रोल नंबर फिल करना है, रोल नंबर बहुत ध्यान से करना क्योंकि ये आपका फर्स्ट ईयर का फॉर्म जा रहा है, यानी कि इसी के बेस पे आपका अगला रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रुप फिल करना है, बायो केमिस्ट्री या जो भी आपका ग्रुप था, नॉर्मली दो ही होते हैं बायो या फिर कंप्यूटर साइंस, वो फिल कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे एयर फिल करना है, और एयर फिल करने के बाद एयर आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो अपनी मार्कशीट पे देख लेना, वहां पे मेंशन हुआ हुआ होगा, और फिर आपने अपना ग्रेड और मार्क्स की मार्कशीट से ही देख के फिल करने हैं और बहुत ज्यादा क्लियर डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है। जो भी चीज आप लिखोगे कैपिटल लेटर में लिखोगे और क्लियर लिखोगे। पहले इसको या तो कहीं पे रफ कॉपी में ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लेना ताकि जब आप फॉर्म फिल करने बैठो तो उसको फिल करने में आसानी हो। उसके बाद आते हैं ये एचएससी पार्ट वन का, यानी कि इन्फॉर्मेशन है जो भी अगर आप एचएससी पार्ट वन में कर रहे हो तो ये आपका जो है वो खुद ही फिल कर देंगे। अब आ जाते हैं फॉर्म के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। तो डॉक्यूमेंट नंबर वन पे हमारे पास यहाँ पे मार्कशीट चाहिए, मैट्रिक की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपके पास लाजमी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से इस फॉर्म में एटलीस्ट दो फोटोकॉपी चाहती हैं, ठीक है। दो फोटोकॉपी करवा लेना और इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना, जब आप सबमिशन के लिए जाओगे कॉलेज तो आप और ज्यादा क्लियर और कन्फर्म कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है फोटोकॉपी। अब फोटोकॉपी की यहाँ पे बात करते हैं, फोटोकॉपी ऑफ एडमिशन स्लिप की, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लेना, मार्कशीट की भी फोटोकॉपी जाएगी, एडमिशन स्लिप की भी फोटोकॉपी जाएगी। अब एडमिशन स्लिप का बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी इनरोलमेंट में भी कि ये क्या है, तो ये वो एडमिशन स्लिप होती है जब आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो कॉलेज वाले आपको एक स्लिप देते हैं, ठीक है, और वो स्लिप आपने अपने संभाल के रखनी होती है। काफी बच्चों के कॉलेजेस में उस वक्त इशू नहीं की जा रही जब वो एडमिशन लेते हैं, लेकिन क्योंकि जब से ये फॉर्म वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो आपको ऑलरेडी कर देते हैं, ठीक है, आप कॉलेज से कंफर्म कर सकते हो, और अगर वो आपको इशू नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई अल्टरनेट बताएंगे। तो अगर जिन बच्चों के पास नहीं है वो अपने कॉलेज से रब्ता करें और उनको ये सारी सिचुएशन बताएं ताकि वही आपको बता सकते हैं कि उन्होंने क्या फिल करवाना है, ठीक है।
अगर आपके पास एडमिशन स्लिप है तो आपके आप उसके साथ दो फोटो कॉपीज करवा लें ताकि आपके फॉर्म के साथ जा सके। फोटो कॉपी ऑफ इनरोलमेंट कार्ड, तो इनरोलमेंट कार्ड अगर आपके पास होगा तो आपने लाजमी लाजमी इसको फोटो कॉपी करवानी है और आपने इसको लेके जाना है। अगेन फोटो कॉपी जो है वो आप कलर करवाओ या ब्लैक एंड व्हाइट, वो मसला नहीं है, लेकिन क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे नहीं करवाते, उनकी जो है वो ऑब्जेक्शन आ जाती है और फॉर्म रिजेक्ट होने का खतरा होता है। उसके अलावा ये तीन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो आपकी एक और चीज आएगी वो होती है पिक्चर्स। अब नॉर्मली जो है यहाँ पे सिर्फ एक पिक्चर रिक्वायर है बोर्ड की तरफ से, लेकिन कॉलेज केस अगर ये घूम गई है, मिस हो गई है, कुछ इस तरह से कोई भी इशू होता है तो वो एटलीस्ट दो फोटोग्राफ्स जो है वो मांगते हैं ब्लू बैकग्राउंड के साथ। अगर आपके कॉलेज वाले ये रिक्वायर करें तो आपने डेफिनेटली देनी है, अदरवाइज आपको अगर नहीं कहा जाए तो आपने नहीं देनी। यूजली फॉर्म के साथ दो फोटोग्राफ जाती ही जाती है, अगर आपके कॉलेज वाले रिक्वायर नहीं करें तो आप उसको नहीं दिएगा। ठीक है, ये तीन डॉक्यूमेंट्स हो गए और फोटोग्राफ्स का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, अब आपने एग्जाम के लिए सब्जेक्ट कैसे फिलअप करने हैं। ठीक है, ये सारे आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शंस हैं और आपने उन पे टिक करना है जिसमें आपने अपियर होना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपलसरी की। तो कंपलसरी में सबसे पहले जो है वो मोस्टली लोगों का, अगर हम प्रिंटिंग की बात करें तो यूजली आपका उर्दू लाजमी यानी कि उर्दू नॉर्मल ही होता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है आम उम्मीदवारों के लिए, तो आपने उर्दू नॉर्मल पे टिक करना है। नीचे जो उर्दू है हमारे पास उर्दू आसान या गैर मादरी जबान, तो ये जो है वो बोर्ड की खुसूसी याद होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉरनर है या कोई इस तरह का इशू होता है तो ये उन लोगों को अलाउ की जाती है। नॉर्मली जो आप पाकिस्तानी है और हम लोगों की उर्दू नॉर्मल ही होती है, आपने इस पे टिक करना है। नीचे आ जाते हैं यहाँ पे हिस्ट्री और कल्चर। ठीक है, ये भी अगेन यहाँ पे मेंशन भी है फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स। ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान स्टडीज होती है, यहाँ पे आपने कुछ भी टिक क्रॉस नहीं करना, ये आपने ब्लैंक छोड़ देने हैं। अब आ जाते हैं अंग्रेजी, तो यहाँ पे भी अगेन इंग्लिश नॉर्मल ही जो है नॉर्मल बच्चों के लिए होती है, आम उम्मीदवारों के लिए, हम जैसे कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश नॉर्मल ही होती है। नीचे जो इंग्लिश डीवी है, इंग्लिश एडवांस, ये खुसूसी बोर्ड की मतलब इजाजत चाहिए होती है इसके लिए, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, इसको आपने बैन छोड़ देना है। अब आ जाते हैं इस्लामिया, तो ऑब्वियसली मुस्लिम जो है वो इस्लामिया पढ़ते हैं, तो इस पे आपने टिक करना है अगर आप मुस्लिम हो। ठीक है, और सिविक्स वगैरह जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए दी जाती है, तो ये सिविक्स अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो आप सिविक्स जो है आपने टिक करना है, और अगर आप मुस्लिम हो तो आप इस्लामिक में टिक करोगे। तो ये हो गए तीन हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अब आ जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हमारे पास जो है वो मैथ्स है, मैथ्स में हमारे पास कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता, तो ये आपने इस पे क्रॉस करना है और आपने ड्यूरी यानी के नजरी पे टिक करना है। ठीक है, अगर आपका मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग के बच्चे हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो आपका डेफिनेटली मैथ्स होगा, आपने इस पर टिक करना है और प्रैक्टिकल पे क्रॉस करना है। उसके अलावा फिजिक्स आपके पास है, तो फिजिक्स में आपने थ्योरी भी देनी होती है और प्रैक्टिकल भी देना होता है, और अगर आपके पास केमिस्ट्री है तो आपने केमिस्ट्री को टिक करना है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का भी अगेन प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीजें होती हैं, तो ये आपने दोनों पे टिक करना है। ये आपके हो गए मीडियो का आंसर, आपने इंग्लिश ही लिखना है, आपने उर्दू नहीं लिखना, क्योंकि आप इसमें एग्जाम्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया या मैथ्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आपने इंग्लिश में ही देने हैं, तो आपने यहाँ पे इंग्लिश ही मेंशन करना है। इसके अलावा आपके पास ये जो आ रहा है फी शेड्यूल फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, तो ये ऑलरेडी बोर्ड की तरफ से मेंशन भी है कि ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है, प्राइवेट कॉलेजेस वाले 2100 रुपीज फी भरवाएंगे। इसका चालान जो है इस फॉर्म के लास्ट में है, वो मैं आपको शो करा दूंगी। अदरवाइज अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपका कोई भी फीस नहीं जाएगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, आपका जो भी सिग्नेचर है तो ये आपने कर देना है। ठीक है, और सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर करना, जो भी आपका सिग्नेचर होगा वही आपका जो है अटेंडेंस में भी रिक्वायर होगा। यहाँ पे आपने एक ही जगह सिग्नेचर करना है, लेकिन प्लीज प्लीज आसान करना, जो आपको आसानी हो अपने अटेंडेंस शीट में भी करने के लिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चे ये जो साइन करते हैं वो भूल जाते हैं करके, और फिर उनकी जो अटेंडेंस में है वो मैच नहीं होता। ठीक है, तो आसान करना ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो। अब आ जाते हैं, ये सारा ऑफिशियल है, तो ये आपने इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी मेंशन भी है फॉर ऑफिस, ये आपने कुछ भी फिल नहीं करना। अगेन यहाँ पे भी ये मेंशन है कि ये प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले नहीं फिल करेंगे, नहीं सबमिट कराएंगे फीस, और ये प्राइवेट वालों के लिए ही फीस चलान भी है, तो आप इसको प्रिंट आउट करवा के और फिर इसको फिलअप करके देन आप इसको सबमिट करवाओगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जस्ट और जस्ट ये आपने फिल करना है फॉर्म, लेकिन प्लीज इसको क्लियरली फिल करना। मैंने आपको हर चीज कोशिश करी है आसानी से बताने की, और आपने इसको फिलअप करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने पोस्ट कोड कैसे जो है वो पता करना है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इजीली लिखना है अपने एरिया का नाम। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं मॉडल पोस्टल कोड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आप किसी भी एरिया का नाम लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको दे देगा पोस्टल कोड, अदरवाइज अगर ना भी दे तो आपने अपने एरिया का नाम लिखना है और उसके आगे लिखना है पोस्टल कोड। अब आपके पास यहाँ पे मॉडल कॉलोनी का पोस्टल कोड, ये आपने फिल कर देना है, अदरवाइज आपका जो भी एरिया होगा वो आप फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे डालते हैं इकबाल का पोस्टल कोड, तो ये आपके पास गुलशान इकबाल का पोस्टल कोड आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड भी आ रहा है,
और उसके अलावा आपके पास और भी एरिया के साथ साथ आ रहे हैं, तो आपने जो भी इजीली फाइंड करना हो वो आप इस पे अपने एरिया का नाम लिखो, पोस्टल कोड लिखो और ये आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा। तो ये आपने अपने फॉर्म में फिल करना है। आई रियली होप सो कि आप लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए आसानी हुई होगी। तो आप याद रखिएगा।